हेलो साक्ष। हेलो, मेरा नाम मयंक प्रताप सिसोदिया है और आज मैं यहाँ आपसे पूरी ऑनेस्टी और दिल से बात करने के लिए आया हूँ। मैं यूपी के एक छोटे से शहर धामपुर से हूँ। मैंने किसी बड़े प्रीमियम इंस्टीट्यूट से डिग्री तो नहीं ली है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे अच्छे से पता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, और वो है ईमानदारी। यही ईमानदारी मेरी और मेरे बिजनेस की नींव है। मैं एक कृषि प्रधान परिवार से आता हूँ, जहाँ पर यह माना जाता है कि आप इस धरती से जितना लेते हैं उतना वापस भी करो। मगर आज हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट जैसे डिश वॉश, फ्लोर क्लीनर, यहाँ तक कि टॉयलेट पेपर और रैपिंग पेपर के साथ हमें मिलती है एक प्लास्टिक की बोतल या प्लास्टिक की पैकेजिंग फ्री फ्री फ्री। शार्क्स, मुझे आपको यह बताने की जरूरत तो नहीं है कि प्लास्टिक हमारे लिए कितना खतरनाक है। इसी प्लास्टिक की समस्या का समाधान लेके हम आए हैं द ऑनेस्ट होम कंपनी, जहां हम बनाते हैं रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और पेपर प्रोडक्ट्स बिल्कुल प्लास्टिक फ्री। हम सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडली के नाम पर लोगों को चूना नहीं लगाते। ऑनेस्ट होम कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव प्राइस पर मार्केट पर मिलते हैं। हमने ना ही सिर्फ अपने प्रोडक्ट को सस्टेनेबल बनाया है, बल्कि अपनी कंपनी को भी सस्टेनेबल बनाया है। इसी वजह से हमने 2.25 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पर किया है 14 करोड़ रुपए का सालाना रेवेन्यू। वेल डन शार्क्स, इस ऑनेस्ट कंपनी को आगे लेके जाने के लिए मेरी आस्क है 1 करोड़ रुपए फॉर 2% ऑफ इक्विटी। क्या आप मेरी ऑनेस्टी में इन्वेस्ट करेंगे? क्या बात है, इंटरेस्टिंग। आपने कहां से बताया, आपका कौन से गांव? सर, मैं यूपी के एक छोटा सा शहर है धामपुर। अच्छा, तो आप वहीं बड़े हुए? हाँ जी, मैंने 12वीं तक की एजुकेशन वहीं से की है। और उसके बाद? उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया पंजाब यूनिवर्सिटी से और MBA किया है जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ से। MBA करने के बाद मैंने पहली नौकरी की पार्ले प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड में एज ए टेरिटरी सेल्स ऑफिसर। फिर मैंने ज्वाइन की हिंदुस्तान यूनिलीवर में मैंने 7 साल काम किया। 7 साल के रिकॉर्ड टाइम में मैंने 3 प्रमोशन लिए, और उसके बाद मैंने एक आयुर्वेदा स्टार्टअप ज्वाइन किया, कपिवा आयुर्वेदा। वहाँ पे मैंने उनके ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्थ इंडिया में फैलाया। 1 साल के अंदर उसको 0 से 1 करोड़ रुपए मंथली रेवेन्यू तक लेके गया। ओके, वेल डन। ओके, जब मैं कपिवा में काम कर रहा था तो एक बात जो मुझे हर जगह से मिल रही थी वो ये थी कि आप ऑर्गेनिक और नेचुरल इंग्रेडिएंट वाले प्रोडक्ट तो बेच रहे हैं, फिर क्यों इन्हें प्लास्टिक की बॉटल में बेचते हो? दूसरा, होम एंड किचन कैटेगरी एक बहुत फ्रेगमेंटेड मार्केट है इंडिया में। इसको यूनाइट करके कस्टमर को एक ऐसा ब्रांड दें जिसकी क्वालिटी पे वो भरोसा कर सके और दुकान पे जाके मांग सके कि मुझे ऑनेस्ट होम का कोई प्रोडक्ट दे दो। इस चीज के लिए मैंने 2019 के एंड में ऑनेस्ट होम कंपनी की शुरुआत की। और क्या ये ऑनेस्ट होम कंपनी आप जेसिका अल्बा की कंपनी थी? ऑनेस्ट कंपनी, उससे इंस्पायर होकर आपने बनाया कि क्या हुआ? नहीं सर, तब तो मुझे पता भी नहीं था कि ऑनेस्ट कंपनी जेसिका अल्बा की। जब उन्होंने मुझे नोटिस भेजा तब मुझे पता लगा। तो आप जीत गए, वो जीत गए। अब इंडिया में ट्रेडमार्क आपका है। तो ये फेशियल टिश्यू जैसे आपने बनाया है, इसमें ये तो ऐसे ही डब्बे में टिश्यू आते हैं, इसमें क्या आपका स्पेशल है? मैं पहले पूरी बात बता देता हूँ सर। आप ऑनेस्ट हो सर? देखिए, हमने अपनी शुरुआत की थी फूड रैपिंग पेपर, एल्यूमिनियम फॉइल, किचन टॉवल, फेशियल टिश्यू, इन सभी से। तो हमारा आज की डेट में भी मेजर रेवेन्यू वहां से आता है। उसके अलावा हमने हाउस होल्ड क्लीनर के अंदर कोई भी टॉयलेट क्लीनर है, फ्लोर क्लीनर है, डिश वॉश है, वो में से प्लास्टिक की बॉटल में आता है। एक बॉटल खत्म हो गई, आपने 15 दिन बाद फिर से दूसरी बॉटल उठा ली, तीसरी बॉटल उठा ली। हम अपने घर में प्लास्टिक की बॉटल को पाइल अप करते रहते हैं। उसका सॉल्यूशन है ये प्रोडक्ट। ये 25 ग्राम का पाउच है। ये आपके घर में जो 500 ml की बॉटल जिसमें फ्लोर क्लीनर आता है, उसी बॉटल के अंदर ये शैशे पोर कीजिए। पानी डालिए और आपका फ्लोर क्लीनर तैयार है। 225 रुपए में 1 लीटर किसी भी एक ब्रांड का फ्लोर क्लीनर आता है। ये 1 लीटर आपका तैयार हो जाएगा 70 रुपीज में। कॉस्ट इफेक्टिव है। अमेजिंग। चलिए आपके प्रोडक्ट दिखाते हैं। पैकेजिंग वगैरह तो अच्छी है भाई, मस्त है, क्लीन एस्थेटिक्स है, वाइब है, अच्छा है।
ये जो आपका फ्लोर क्लीनर है जी वो ऑर्गेनिक है, उसमें केमिकल्स नहीं है, इसमें केमिकल्स है, तो फिर ओनली पैकेजिंग प्लास्टिक फ्री कर रहा हूँ मैं. उनका क्लेम इज नॉट टॉक्सिक फ्री, इट इज प्लास्टिक. बट शी इज गॉट अ पॉइंट कि आप ऑनेस्ट लिख रहे हो, उससे एक माइंड में ही आता है कि एवरीथिंग इज इंग्रेडिएंट्स आर केमिकल फ्री, बट व्हिच इज गुड फॉर हिम ना, उनको फायदा हो रहा है, वो तो क्लेम नहीं कर रहे. आपने ये लिखा है गुड फॉर यू, बेटर फॉर द प्लैनेट, आपका मुद्दा सही है, बट गुड फॉर यू मे बी नॉट. सर अफोर्डेबिलिटी भी तो चाहिए कस्टमर को. चलो आपने थोड़ा सा ग्रे पैटर्न यूज कर लिया हुआ. आप ऑफलाइन बेच रहे हो या ऑनलाइन, क्योंकि आपका पूरा बैकग्राउंड तो ऑफलाइन का लगा मेरे को. मैंने शुरुआत की थी ऑफलाइन से. हाँ जी. और लास्ट ईयर तक जो मेरा कंट्रीब्यूशन था बिजनेस का, वो 55% था ऑफलाइन, 45% था मेरा ऑनलाइन. आज की डेट में जो इस साल के 6 महीने बीते हैं, इसमें से मेरा 40% रेवेन्यू है ऑफलाइन, 24% रेवेन्यू मैं कर रहा हूँ मार्केट प्लेसेस से, 30% मैं कर रहा हूँ अपने क्विक कॉमर्स से. वेरी गुड यार, 6% अपनी साइड से करो. नहीं सर, 6% में जो छोटे छोटे हैं, रेड हो गया, मेवला हो गया, जो छोटे छोटे नंबर है वहाँ से अपने अपनी साइड से नहीं करो. मेरी वेबसाइट है मगर मैं उससे कोई बिजनेस नहीं करता. आप ट्राई नहीं करते हो कि? नहीं, मैं ट्राई ही नहीं करता. स्मार्ट. क्यों? सर मेरा एवरेज कस्टमर ऑर्डर वैल्यू है वो 200 रुपए, और मैं अगर सोनीपत में बैठ के ट्रांसपोर्टेशन करूंगा नेशनल लेवल पे 150 रुपए तो कोई लेके चला जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा. आपने सिर्फ ऑफलाइन सेल्स किया था, आपने कैसे इतनी अच्छी पैकेजिंग बनाया, मतलब और ये ऑनलाइन बिजनेस ग्रो करना, ये सीखा कहाँ से? मैडम जब कोविड आया, 6 महीने हम लोग घर में बैठे, उससे पहले मैं महीने के 25 लाख रुपए के रेवेन्यू पे पहुंच गया था, 1100 आउटलेट में मेरी दिल्ली में कवरेज थी. ऑफलाइन धंधा मेरे को पता है किस दुकान में जाके कहाँ माल बेचना है. बट जब कोविड आया, 6 महीने हम नहीं बेच पाए, तो मेरे को ये समझ में आया कि कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ. सिर्फ अभी ऑफलाइन में धंधा बनाने से तो नहीं चलने वाला है, आपको नए ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ेगा. तो मैंने धीरे धीरे ऑनलाइन लिस्टिंग करनी स्टार्ट की, ऑर्डर नहीं आए. फिर अपने कलीग से, दोस्तों से सीखा कि यार तुम किस तरीके से करते हो. उन लोगों ने बताया कि हमने सारे स्टेट्स में अपने GST रजिस्टर्ड कराए हैं, मैंने भी अपने GST रजिस्टर्ड कराए. धीरे धीरे सेल्स आनी स्टार्ट हुई. FMCG के हिसाब से जो सेल्स साइकिल है ना, वो 25 तारीख से लेके 5 तारीख तक का है. तो 25 से 5 के बीच में हम बहुत लिमिटेड प्राइस रखते थे इनिशियल डेज में. फॉर एग्जाम्पल, हमने इनिशियल डेज में फूड रैपिंग पेपर को अपनी कॉस्ट से कम पे बेचा, तो लोगों के घर में गया, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी थी, मेरा एक प्रोडक्ट बिकने लगा, उसी के साथ साथ मेरे बाकी के प्रोडक्ट भी बिकने लगे. मेरा अमेजोन पे जो कस्टमर रिपीट रेट है वो 33% है क्वार्टर का. ब्लिंकिट पे एवरेज कस्टमर का रिपीट रेट रहता है 11 से 12%, मेरा है 16%. लास्ट ईयर का हमारा टर्नओवर है 13 करोड़ 80 लाख रुपए. अरे वाह. मेरे पहले साल का रेवेन्यू था 1.82, दूसरे साल का था 2.89, तीसरे साल का था 4.90, चौथे साल का हुआ 13.80, और पिछले महीने का, पिछले महीने का है 1.42 करोड़. बहुत अच्छा काम कर रहा है. मार्जिन स्ट्रक्चर क्या होता है? बहुत कमोडिटाइज्ड मार्केट है ये. मैं अगर फूड रैपिंग पेपर की बात करता हूँ, 110 रुपए का हम बिल करते हैं दुकानदार को, 8% का उसको मार्जिन देते हैं, 8% का मेरा लॉजिस्टिक कॉस्ट चला जाता है, 15% हम उसमें ऑफलाइन में विजिबिलिटी में खर्च कर देते हैं, ब्रांडिंग मेरे पास मोटा मोटी 24% के आसपास बच जाता है. की बात करता हूँ फूड रैपिंग पेपर की, 200 रुपए का हम कस्टमर को बेचते हैं, 56 से 60 रुपए के आसपास की मेरी कॉस्ट है, यानी कि 72 से 72% का मेरा इसमें ग्रॉस मार्जिन आता है. 18% इसमें अमेजोन का कमीशन है, 37% इसके अंदर अमेजोन हमारे डिलीवरी चार्जेस लेके जाता है. मार्केटिंग में करता नहीं, मेरा AMS अकाउंट ही नहीं है. बाकी के जो बचे 14% 17% वो मेरे पास बचते हैं. 14 करोड़ में आप कह रहे हो, जो आपने 14 करोड़ की जो बात की, उसमें पैसा बना होगा? हाँ पैसा बना. कितना? सर टोटल हमने 60 लाख के करीब बनाया. तो मतलब 3 से 4% का धंधा हो, 4% का मार्जिन का बिजनेस रहा. बट अगर आप स्केल करोगे ना थोड़ा सा, उसमें AMS वगैरह तो डालना पड़ेगा फिर आपका. ये आपने कुछ सोचा है कि आप ये कंटिन्यू कैसे करोगे प्रॉफिट बनाना? सर मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी, मगर मैं अभी उसमें एक स्टेप पीछे अभी इसलिए हूँ क्योंकि मैं अभी कस्टमर की डिमांड कोई पूरी नहीं कर पा रहा हूँ. स्टॉक नहीं था मेरे पास. स्टॉक की प्रॉब्लम. नहीं नहीं, आपको वर्किंग कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है? आपको करंट स्केल में मेरे को अभी 1 से 1.5 करोड़ का वर्किंग कैपिटल चाहिए. एक महीने का वर्किंग कैपिटल रहता है आपको? मतलब 1.4 करोड़ की सेल है, 1.4 करोड़ का वर्किंग कैपिटल. मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आप इतने ऑनेस्टली सब बातें बता रहे हो, सब सही है कहीं पे कुछ. मेरे को तो कभी कभी डर लगता है कि जब सब सही होता है तो कहां झोल कर. सर बहुत सिंपल से प्रोडक्ट है, इसमें झोल करने वाली कोई बात ही नहीं है. नहीं डेट मिल जाता है मेरे को, बस ये है कि मतलब क्यों आप... नहीं मिला. मैं पूरी बात बताता हूँ. जब कोविड का टाइम था, उससे पहले मैं नौकरी कर रहा था, मेरे पास 2 लोन थे, एक मेरे घर का लोन था, एक मेरी गाड़ी का लोन था. मैं कोविड के बाद 3 से 4 महीने तक अपनी कार और घर की EMI मैं नहीं भर पाया.
तो मेरे पे वो लगा हुआ है, जो मेरा सिविल स्कोर भी 700 से कुछ ऊपर आ गया, मगर वो जो उस समय DPDs लगे हुए हैं उसकी वजह से जब मैं कोलेटरल फ्री लोन लेने के लिए जाता हूँ, जब वो एंड पॉइंट पे वहाँ पे आगे देखते हैं तो वो मेरे को लोन देने से मना कर देते हैं। पर आपने बोला आपने 2 करोड़ उठाए है ना? मैंने टोटल इन्वेस्ट किया है 2,25,00,000 रुपए अपने बिजनेस में, जिसमें मैंने अपनी खुद की फैक्ट्री भी लगाई है, और 1,25,00,000 रुपए मेरे खुद के हैं, 1 करोड़ रुपए मेरे 3 दोस्त हैं उनके हैं। वो 1 करोड़ जो दोस्तों से लिए उसके लिए इक्विटी कितनी दी आपने? टोटल मिला के 80% कंपनी का मैं ओन करता हूँ, 20% मेरे उन 3 दोस्तों के पास। मुझे नहीं लगता है कि ये स्केल कर पाएगा जस्ट बेस्ड ऑन पैकेजिंग मोड, बट 14 क्रॉस प्रॉफिटेबल बिजनेस, फैंटास्टिक, congratulations. I don't think it's for an investor because exit milna mushkil hai scale ke bagair. I'm out for today. Wish you the best. Thank you, ma'am. Ek baat bataiye mai aap. Aur aapne VC se baat ki raise karne ke liye? Lagbhag 80. All done. क्या हुआ भाई? पहला फीडबैक आता है कि ये हाईली कॉमोडिटाइज मार्केट है। Yes. दूसरा फीडबैक आता है तुम्हें ऑनलाइन में धंधा करना नहीं आता, तुम सेल्स के आदमी हो, ब्रांड कैसे बनाओगे? वो ये कहते हैं कि एक और अपने, आप अभी सिंगल फाउंडर हैं, एक और को फाउंडर लेके आइए जो थोड़े बड़े प्रीमियम इंस्टीट्यूट से हो, उसको थोड़ी मार्केटिंग की ज्यादा नॉलेज हो। चाहता है कि एक टेम्पलेट में डाल दे, और वो टेम्पलेट में अगर आप फिट नहीं होते हो तो उनको लगता है अरे ये कहां से आ गई। अभी सारी D2C कंपनी को उल्टा बोल रहे हैं, ऑफलाइन करो, वहीं पे तो प्रॉफिट है। मैंने तो शुरुआत ही ऑफलाइन से की थी भाई। मैं आपकी इंडस्ट्री समझ गया, इट्स इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, अच्छी टाइमिंग है। एक सवाल है सिर्फ, 3 साल में आपकी स्केल क्या होगी, प्रॉफिट क्या होगी और कैसे होगी? सर 3 का तो नहीं, मैं आपको 2 साल का प्लान बताता हूं। 2 साल का बता दीजिए। अगले 2025 तक मेरा ये प्लान है कि मैं महीने के 7 से 8 करोड़ रुपए के नंबर कर रहा हूँ। मैं अभी सिर्फ दिल्ली NCR से 60 से 75 लाख रुपए के बीच का नंबर करता हूँ। मैं इसी सेम मॉडल को मैं बेंगलोर में एप्लीकेट करूंगा, मुंबई में एप्लीकेट करूंगा, तीसरा मैं पुणे में करूंगा, और चौथा जयपुर और लखनऊ में करूंगा। इस मॉडल से मैं महीने के 3.5 से 4 करोड़ रुपए के रेवेन्यू पे जाऊंगा। ओके। और बाकी का जो बचता है उसमें से, जो मैं अभी क्विक कॉमर्स में 2 बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ, ना मैं जेप्टो पे हूँ ना मैं स्विगी इंस्टामार्ट पे हूँ, तो पहुंचा सकते हैं उस पे। हम जैसे ही मैं वहाँ पे जाऊंगा, तो जैसे मैंने ब्लिंकिट में इस साल के शुरुआत में स्टार्ट किया, और अभी मैं महीने का 35 लाख रुपए का रेवेन्यू अकेले ब्लिंकिट से कर रहा हूँ। ब्लिंकिट सिर्फ नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में स्ट्रॉन्ग है, वेस्ट और साउथ में ब्लिंकिट स्ट्रॉन्ग नहीं है, जितनी मेरी समझ। ठीक है, आपका बर्न कितना होगा ये टाइम पे, क्योंकि आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं, उसके लिए लीडरशिप टीम चाहिए जी। फंडिंग कितनी उठाओगे आप और बर्न कितना करोगे पर मंथ? सर 100 करोड़ के नंबर तक जाने के लिए मेरे को 6 से 8 करोड़ रुपए की फंडिंग चाहिए। वो तो वर्किंग कैपिटल होगा ना? वो भी मुझे लगभग वर्किंग कैपिटल के लिए। लेकिन मार्जिन तो आपको 3-4% ही है ना, ये सब खर्चे नहीं लेके, तो मार्जिन सर नेट प्रॉफिट जी। आपने मान लिया कि लीडरशिप टीम और ब्रांडिंग की जरूरत है, तो वो तो वही मार्जिन से आएगा ना, तो मार्जिन एक्सपेंशन होना पड़ेगा तभी आएगा। आज मैं एक्सपेंशन नहीं हो सकता इसमें, बता रहा हूं, होगा। आपका 3-4% से 6% हो जाएगा, चलो ये मान ली जी, राइट, बट यू आर स्टिल एट अ वेरी लो लेवल। आप ब्रांडिंग और लीडरशिप टीम कैसे अफोर्ड करोगे ये नहीं सोचा अभी। चलिए, आपने बड़ा बढ़िया बिजनेस बनाया है, पता नहीं बड़ा ब्रांड बन सकता है कि नहीं, पर आपका अभी तक एग्जीक्यूशन अमेजिंग है, तो उस पे एक बैट लेके ऑफर देते हैं आपको। 1 करोड़ फॉर 4% एंड 1% रॉयल्टी ऑन सेल्स, जब तक मेरा 1.5 times ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं रिकूप हो जाता है। गुड ऑफर। थैंक यू विनीता, बाकी शख्स को सुन लीजिए। देखो यार, मैं बंदे पे बैठ लेता हूँ तो आप बहुत ट्रस्टवर्दी लगे मेरे, तो आपकी ऑनेस्ट कंपनी मेरे को उतनी ऑनेस्ट लगी, तो मैं भी आपको एक ऑफर देता हूँ। मैं मैच कर रहा हूँ विनीता का ऑफर, नया ऑफर बनाते ही नहीं, आई विल मैच हर ऑफर। थैंक यू अमित। 80 VCs के रिजेक्शन के बाद ऑलरेडी 2 sharks के ऑफर्स आ गए। मुझे भी 100 से ज्यादा VC ने रिजेक्ट किया था, मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो 80 बार जाके रिजेक्शन खा सकते हैं। अमेजिंग। चाहते क्या हो मेरे दोस्त, रॉयल्टी देना नहीं चाहते हो कि इक्विटी कम देना चाहते हो? इक्विटी थोड़ी कम देना चाहता हूँ। और एक बात याद रखना, आपने 1 करोड़ रुपया रेज किया 20% दे के। सर तब कंपनी स्टार्ट भी नहीं हुई थी, डे 1 से वो लोग मेरे साथ हैं, तो उनका वैल्यू वो अलग है। चलो आपको 1 करोड़ देते हैं फॉर 3%, बट रॉयल्टी एट 1% अंटिल आई मेक 2x। आप मैच करेंगे सर ऑफर? आई विल मैच अनुपम्स ऑफर। मैम आप मतलब आई कैन कम विद अनुपम इफ ही इज ओके विद दैट। दैट्स कूल, साथ में कर सकते हैं सर।
बड़े कंफ्यूजिंग डील्स है। जो जो रीजन अभिनीता ने बोला आपने इन्वेस्ट करने के लिए प्लस वन, जो जो अमित ने बोला उसमें भी प्लस वन, सेम रीजन है। तो मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, अनुपम का ऑफर प्लस वन, प्लस वन परसेंट नहीं नहीं प्लस वन मतलब सेम ऑफर। आप सारे क्यों नहीं आ सकते? एक ऑफर हो सकता है, मैं कोशिश करता हूँ। 2 करोड़ तो आपकी वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम एड्रेस्ड, आपको कोई और 80 वीसी रिजेक्ट नहीं करेगा, घुसने नहीं देंगे दरवाजे, राइट? 50 लाख ईच, 2 करोड़ फॉर 8%, और आपका रॉयल्टी जो हमने कहा वही रखेंगे, जब हमारा 2x हो गया रॉयल्टी गोज़ अप। दैट्स आवर ऑफर इफ दे ऑल अग्री। मैं सोलो जाना चाह रहा हूँ। चलिए उनको सोलो जाने दीजिए, फिर हम तीन जी आपको वो ऑफर देते हैं 6%। रिवाइज कर दो, 1.5 crores। आप 3% पे वो नहीं आएंगे? मयंक थोड़ा दोनों तरफ से सोचो, आपको वैल्यूएशन लगाने की जरूरत नहीं है, यू हैव दैट लग्जरी। आपको सिर्फ ये सोचना है कि हमारी इंसेंटिव कैसी बनी रही। अभी चिंदीगिरी करने लगे हम, देन वी आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ वन टीम। सिंपल है, यहाँ पर 3 लोग हैं, यहाँ पर एक जना जिसका अकेले का 1 करोड़ लगा है वो ज्यादा ध्यान देगा। जितने भी मैंने लास्ट सीजन में इन्वेस्ट किया, मैंने सबके साथ बहुत घंटों लगाए। आपको ज्यादा टाइम चाहिए कि ज्यादा ग्रोथ चाहिए? आप कंपनीज को देखो कि किसकी ज्यादा सारी ग्रो कर रही है, मेरी कंपनी ना सारी 3x ग्रो कर रही है यार। आपका रॉयल्टी वाला भी है। एक काम करते हैं, आपकी इन्होंने 2 करोड़ की रॉयल्टी मांगी, मैं 1.5 करोड़ की कर देता हूँ। 2 मिनट सोच के आ जाओ, अभी हम बड़ी मत कर, प्रेशर मत। बताइए मयंक जी, क्या डिसाइड किया आपने? अमित डील पक्की। अच्छी वो मारी। हाँ बट ये पैसे भी बना के देगा। I know।